हेलो दोस्तों, हर प्लेट तिरंगा के कॉन्सेप्ट में ये मेरी तीसरी रेसिपी है, ट्राइकलर सैंडविच, जो कि बहुत ही हेल्दी इंग्रेडिएंट से तैयार हुए हैं। इससे पहले मैंने ट्राइकलर उत्पम और ट्राइकलर ढोकले की रेसिपी मैंने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप उसे प्लीज़ देखिएगा। वो भी बहुत इजी है रेसिपी बनानी, तो इसे आप बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है ये। इसके लिए मैंने ब्रेड की कुछ स्लाइसेस ली हैं। एक सैंडविच में 4 स्लाइस ब्रेड लगेंगे हमें, तो ये एज इज उसको निकाल देते हैं। और इन्हें आप फेंकिएगा नहीं, इससे ब्रेड क्रम्स या फिर ब्रेड स्टिक्स, जो कि मैंने रेसिपी दी हुई है, आप बना सकते हैं। आप फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखते देखते आप प्लीज़ लाइक कर दें, क्योंकि उसके बाद तो आप लोग भूल जाते हैं लाइक करना। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर तो कर ही दें। तो ये देखिए, मैंने वाइट कलर के लिए हंग कर्ड लिया है, टंगी हुई दही है, उसमें थोड़ी सी मेयोनीज मिला लेते हैं। दही को मैंने रात भर कपड़े में बांध के टांग रखा था, देखिए, और उसमें थोड़ी सी मेयोनीज डाल के उसको मिक्स कर लेते हैं। थोड़ी सी मेयोनीज और ले रहे हैं। एक्चुअली दोस्तों, ये इस बार कैमरे की थोड़ी सी सही से नहीं सेट हुआ है, तो थोड़ा गड़बड़ दिख रहा। और ये मिक्स हर्ब डाला है थोड़ा सा इसमें, और नमक डाल लिया। कैमरे के एंगल गलत होने से थोड़ा सा पिक्चराइजेशन जो है थोड़ा गलत एंगल से हो गया है, तो बट कोई नहीं, हम क्लियर कर दे रहे हैं, तो आप फॉलो करते जाएं मेरी बातों को। तो इससे तैयार हो गया मेरा वाइट कलर। और ये थोड़े से एक अलग बॉल में मैंने ये सॉस ले लिया, टोमेटो केचप है ये, और उसमें थोड़ी सी मेयोनीज डाल ली। इसको भी मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और ये घिसा हुआ गाजर है, कद्दूकस किया हुआ गाजर ले लिया मैंने। और ये मेरा तैयार हो गया केसरिया, और गाजर मिला लेते हैं इसमें। ये चार चार के मेरे 2 पेयर सैंडविच तैयार हो जाएंगे इससे। और थोड़ा सा नमक डाल दिया और मिक्स हर्ब डाल दिया इसमें। मिक्स हर्ब ऑप्शनल है। और ये काली मिर्च डाल दिया क्रश। ये मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और ये मेरे वाइट और वो तैयार हो गया। अब ग्रीन की बारी है। केसरिया वाइट तैयार हो गया। और ग्रीन के लिए मैंने ये चटनी ली धनिए की थोड़ी सी, और इसमें थोड़ी धनिया की पत्ती मिला ली, हरी धनिया की पत्ती है। और इसमें ये बहुत महीन कटा हुआ कैप्सिकम शिमला मिर्च है, तो उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नमक और काली मिर्च अपने हिसाब से आप उसमें बैलेंस करते जाइए सारे में। और अगर मिक्स हर्ब है तो आप डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए उसे आप। तो ये मेरा ग्रीन कलर तैयार हो गया। और अभी ये ब्रेड की स्लाइस लेके, और ये उस पर थोड़ा बटर लगाते हैं। और ये बहुत पतली लेयर धनिए की चटनी की। और अभी इस पे ये शिमला मिर्च वाला जो मिक्सचर मैंने तैयार किया है उसे फैला लेते हैं। अच्छे से इस पर स्प्रेड कर देते हैं, ऐसे थोड़ा सा दबाते हुए हाथ से सेट कर देते हैं। और एक और स्लाइस पे मैंने ये बटर लगा लिया। और अभी ये जो हंग कर्ड का मिक्सचर है, मेयोनीज और हंग कर्ड का, उसे अभी अच्छे से इस पर फैला लेते हैं। थोड़ी थिक लेयर लगानी है हमें, लेते हैं। बस माफ़ करिएगा दोस्तों, क्योंकि कैमरे की वजह से गलत जगह कैमरा मेरा सेटअप हो चुका था, तो मुझे पता नहीं चला। और ये देखिए, एक मोटी लेयर लगा दी है दही वाली, और फिर इस पे बटर लगा के तीसरे वाले स्लाइस पे, ये बटर हो गया। और उस पे अभी ये गाजर वाला मिक्सचर फैला देते हैं।
भी उस पर असेंबल करते हैं, और एक लास्ट ब्रेड पे इस पर भी वही बटर लगा के, और इसे बिल्कुल, ये देखिए अभी से ये कुछ कुछ तिरंगे की तरह से दिख रहा है। अभी करना क्या है, ये दो टूथपिक लेके और दोनों कोने पे हमें लगा लेना है इस तरह से, ताकि ये फिक्स रहे, और ये बीच से कट करना है हमें। तो ये कटने के बाद इसके कलर अभी आप देख सकते हैं, ये देखिए देख लिया आपने कितना अच्छा कलर निकल के आया। तो तैयार है मेरा ट्राई कलर सैंडविच, और इसे बनाइए, खाइए, खिलाइए, और देखते रहिए ग्लोबल देसी रसोई विद शालिनी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे दो रेसिपी जो ट्राई कलर पे पड़ी हुई है उन्हें भी ज़रूर देखें आप, ट्राई कलर उत्पम और ट्राई कलर ढोकले की रेसिपी। इसी के साथ स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं आप सभी को। तो फिर मिलते हैं आपसे नई रेसिपी के साथ। बाय।